एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों मंच पे साथी थोड़ा सा ये महती भीड़ को देख करके अलीपुर में मेरा भी मन बाग बाग हो गया, गदगद हो गया। और ये अली नगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अली नगर, तो एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों बड़ी हर्ष की बात है कि अगर ये स्वागत का कार्यक्रम चलता रहे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट बाबू को तो 2 घंटा से ज्यादा समय लग जाएगा सम्मान समारोह में, लेकिन सबका सम्मान हुआ और आपके ही परिवार का बेटा ये जनक जमान है। मैं थोड़े से शब्द बात को रख करके अपनी पूरे के पूरे समय मंच पर विराजमान एक गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय हुकुम देव बाबू, जो पार्लियामेंट के अंदर आप बोलते थे तो दुनिया उनकी बात को सुनता था और खास करके गरीब गुरबा की आवाज आप थे। साथियों आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आपने देखा होगा देश के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पंक्ति में कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिसको पचपनिया कहा जाता है, सनकन कहा जाता है, जिसको रहने का छत नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और स्वास्थ्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, जिसकी चिंता देश के सच्ची प्रधानमंत्री जी ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबके सम्मानित नेता यहाँ मंचस्थ थे, वो पूर्व सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, MLC हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, सबका आपने प्यार आशीर्वाद दे करके सदन के अंदर सदन के बाहर भेजने का काम किया। लेकिन साथियों एक बात मैं कह करके अपनी बात को विराम लगाऊंगा, कभी बिहार प्रदेश में पलटू कुमार जी को आप अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है और दलित विरोधी सरकार को आप स्वयं जानते हैं कि समय समय से किस तरह से दलितों को रौंदने का काम करते हैं। यही राज्य में DMS भी सुरक्षित नहीं है, DM के हत्यारा को, जो दलित के हत्यारा, उसको जेल से बाहर किया जा रहा है। इतना ही नहीं साथियों, आप बिहार सरकार के पलटू कुमार जी दलित समाज का प्रथम स्थान जो आता है महामहिम गवर्नर राज्यपाल महोदय का, उनको हेलीकॉप्टर ये सरकार नहीं मुहैया कर रही है, इसलिए जाति भावना से पलटू कुमार जी ग्रसित है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सच्ची प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी और साथ में चल रहे आदरणीय और सिप्पी बाबू के साथ एक दलित का बेटा जनक चमार भी भारतीय जनता पार्टी के करवा को लेकर के आपके साथ में चल रहा है। साथ में एक कमजोर तबके लोगों को समझने की जरूरत है और आने वाले दिनों में एक एक मत दे करके जिस तरह से तपती धूप में हम गरीब परिवार के लोग, सर्व समाज के लोग या अपने नेता को सुनने और देखने के लिए आप महती भीड़ में इकट्ठे हैं, आने वाले दिनों में किसी के बहकाव में नहीं आना है। गरीबों के बीच में जाकर के विपक्ष के नेता क्या कहता है, संविधान संविधान, आप पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, संविधान में कहीं नहीं लिखा है जिसका बाप मुख्यमंत्री है उसका पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, जिसका पत्नी मुख्यमंत्री है उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन संविधान के दरकिनार करके संविधान के नाम पे गरीबों को गुमराह करके अपने परिवार की सरकार लाना चाहते हैं, ये सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। इन्हीं चंद बातों के साथ आपके परिवार के होने के नाते मैं भी अपना पूरा समय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को देना चाहते हैं। हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।